एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू आर्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो मैंने सोचा है कि आज मैंने लॉर्ड बुद्धा को कैनवस के ऊपर ही डिपिक्ट करूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रियली इट मींस अ लॉट टू मी। एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज अर्घोघोष आर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर पहले से बेसिक स्केच बना के रख दिया था एंड अभी मैं कलर फिल करूँगा। देयर आई एम यूजिंग ब्राउन एंड वाइट कलर टू गेट लाइट ब्राउन कलर एंड आई एम क्विकली स्टार्ट माय कलर ऑन दिस। यहाँ पर मैंने मेरे गौतम बुद्धा के लिए ब्राउन कलर एंड डार्क ब्राउन चूज़ किया है। अब चाहे तो डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लू कलर हो गया, पीच कलर हो गया एंड येलो हो गया, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये कलर ही करना है। एंड अब मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा डार्क वर्शन नीचे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये लाइट ब्राउन का थोड़ा सा डार्क वर्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट हो एंड कुछ चीज़ ऊपर है एंड कुछ चीज़ नीचे है, ऐसा एक फीलिंग आए पेंटिंग में। इससे पेंटिंग में जान भी आ जाता है। वैसे मैं ये बात अपने हर एक वीडियो में ही आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स कमिंग बैक टू दिस। मैं यहाँ पर पेंटिंग को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जिससे कि पेंटिंग में कोई सा भी मिस्टेक ना हो एंड मैं ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लूँगा फेस के मेरे गौतम बुद्धा का एंड सारे पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लूँगा। एंड आपको जो माउथ एंड आई जो छोटे छोटे कॉर्नर्स है, इन सारे चीज़ में आपको ध्यान रखना है करते समय कि कलर इधर उधर ना जाए, तो पेंटिंग थोड़ा सा ऑड लगेगा दिखने में एंड अच्छी भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं गौतम बुद्धा के मुकुट के लिए सिंपली डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक क्यों नहीं यूज़ कर रहा, आपको वो वीडियो के बाद में पता चलेगा। तो वीडियो को देखते रहो एंड देखते रहो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं सिंपली इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेरे बाल को कंप्लीट कर लूँगा गौतम बुद्धा का। नाउ आई एम डिपेक्टिंग गौतम बुद्धा क्लोथ यूजिंग ऑरेंज कलर एंड मैं ऑरेंज कलर से गौतम बुद्ध का जो फुल क्लोथ है कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एंड मैं इसी तरह जो मेरे फ्लावर्स है सारे के सारे को कंप्लीट कर लूँगा डिफरेंट कलर से। एंड मैंने यहाँ पर सारे के सारे कर लिया है। एंड जो मिडिल पे जो लोटस है, इस लोटस को मैं थोड़ा सा अलग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पिंक एंड पीच कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें अलग ही एक एसेंस आता है जिससे पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। एंड मैं बैकग्राउंड के लिए ब्लैक कलर ही रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गौतम बुद्धा है बेसिकली वो
ज़्यादा उभर के आए, इसलिए मैं यहाँ पर पीछे के साइड ब्लैक कलर दिया हूँ। एंड जल्दी से मैं सारे के सारे बैकग्राउंड्स को कंप्लीट कर लूँगा। एंड या वंस दैट इज़ डन, अभी मैं मेरे पेंटिंग में जान लाने के लिए एंड डेप्थ शो करने के लिए वाटर एंड ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसी प्रोसेस से पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करने के बाद पेंटिंग में एक अलग ही जान आ जाता है यार, जो मैं आपको बता नहीं सकता। अब करके देखो, सच में एक अलग एक एसेंस आता है पेंटिंग में, तो इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा प्रोसेस अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एडिशनली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं इतना ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरा आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिन जगह पे मुझे हाईलाइट शो करना है उन उन जगह पे मैं वाइट कलर का यूज़ करके हाईलाइट शो कर दूंगा। एंड आप देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। मैं जो आपको बताता हूँ कि पेंटिंग पहले तो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फर्स्ट स्टेज में, पर जैसे जैसे हम आगे की सीरीज में बढ़ते जाएंगे पेंटिंग में अलग ही एक जान आ जाता है एंड पेंटिंग उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। Finally, it is done. And this is the final piece look like, guys. I think you all love this. And if you like this, do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And additionally, don't forget to press the bell icon. So, we'll take you in the next video. Tab tak ke liye, bye bye. Take care.